Click on subscribe and then click on the bell button for more updates. दोस्तों, सबसे पहली खबर जो है वो भारत आई ऑस्ट्रेलिया टीम की है और ऑस्ट्रेलिया का भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला इस ओडीआई सीरीज का पहला वनडे खेला गया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और इस वानखेड़े स्टेडियम में कंगारुओं को भारी और एक जबरदस्त जीत दर्ज हुई और ये जीत भारत को बहुत चुभेगी। ही आपको ये भी बताते चले कि ये जीत उन्होंने 10 विकेट से जीता इस मुकाबले को। और दूसरी खबर भी इसी मुकाबले से रिलेटेड है और ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी दो प्लेयर ने एक रिकॉर्ड साझेदारी बनाई और वो बनाई 258 रन की। ये आपको बताते चले कि ये साझेदारी एरोन फिंच और डेविड वार्नर के बीच हुई और इस मैच में एक रिकॉर्ड किसी दो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के द्वारा बनाई गई इस रिकॉर्ड साझेदारी। और ये रिकॉर्ड साझेदारी 258 रन की एक जबरदस्त साझेदारी। और आपको ये भी बताते चलें कि इस साझेदारी ने भारत की कमर तोड़ दी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में चल रही उनकी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की, यानी कि बिग बैश लीग की। और बिग बैश लीग में मार्कस स्टोइनिस ने एक जबरदस्त शतक जड़ा और बिग बैश हिस्ट्री में एक निजी स्कोर बनाया। वो बनाया 147 रन, वो भी 79 गेंदों में 13 चौके और 8 छक्कों की मदद से उन्होंने एक जबरदस्त स्कोर बनाया। अगली खबर भी इसी मैच से रिलेटेड है और ये मैच 15 जनवरी को खेला गया और इस मैच में विराट कोहली ने अपना नंबर काफी समय के बाद बदला और ये अपना नंबर बदलते बैटिंग ऑर्डर में अपना नंबर बदला और नंबर बदलते ही विराट के सामने हो गए उनके नतीजे भी। और आपको बताते चलें कि काफी समय के बाद उन्होंने अपना ये नंबर बदला और वो नंबर फोर पर आए। हालांकि विराट कोहली काफी समय से नंबर 3 पर ही बैटिंग कर रहे थे और इन्होंने नंबर बदला और मैच भी इनके खिलाफ हो गया, नतीजे इनके खिलाफ आए। और वहीं आपको ये भी बताते चलें कि ये मैच भी उन्होंने गवा दिया। अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही सीरीज का दूसरा मैच। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट में खेला जाएगा और ये मैच काफी भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और इस मैच को जीतकर भारत भी सीरीज को 1-1 बराबरी करना चाहेगा। अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली की, तो उन्हें एक आईसीसी ने एक अवार्ड से नवाजा गया और ये अवार्ड है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। इस अवार्ड से विराट कोहली को नवाजा गया और वही ये भी आपको बताते हैं कि ये अवार्ड 2019 के हैं। अब बात करते हैं विराट कोहली के ही साथी और भारत के जबरदस्त ओपनर रोहित और व्हाइट बॉल क्रिकेट के उप कप्तान रोहित शर्मा की, तो उन्हें भी एक अवार्ड से नवाजा गया और ये अवार्ड है आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वहीं आपको ये भी बता दें कि 2019 में रोहित शर्मा का फॉर्म वनडे में बहुत कमाल का रहा था, उन्होंने सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे। और अब बात करते हैं लास्ट और अंतिम खबर की, तो आईसीसी ने मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर भी उन्होंने जाहिर की और इस टीम में भारत के दो बल्लेबाज रहे और इस टीम में विराट कोहली को बतौर कप्तान चुना गया और भारत के एक और बल्लेबाज जिसका नाम है मयंक अग्रवाल बतौर ओपनर इस टीम में जगह बनाई। क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड देन क्लिक ऑन द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स।